यहाँ पर अभी जो ना भाभी भाभी मेरे मुंह से हमेशा भाभी निकलता है, भाजी को जो ना भाजी बोलना होता है हमेशा भाभी बोलते तो भाजी बताओ मिठाई है पत्थर है भाई इतनी इतना बोझनी है ये। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रोमियार पी। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज उसकी वजह आप लोग सबको पता ही है कि पहले तो मेरी बाइक खराब हो गई थी, बाइक बनवाने के लिए गया तो 5-6 बज गए मुझे वहीं पर। उसके बाद ये देख रहे हैं आज कितना हो लिया चेंज हुआ ना, तो मैं मतलब कि कटिंग शेप भी करवानी थी तो वो करते करते मुझे 6:30 बज गए। तो अभी आप लोग को पता ही है सबको कि उनके घर वाले आने वाले हैं, तो आज उनके घर वाले आने वाले, अभी तो फिलहाल वेट ही कर रहे हैं सबके सब, मम्मा भी भाभी लोग भी सभी, और कब तक आते देखो। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी खुशी भी है और थोड़ी सी ये भी है, समझ रहे ना। बाकी अभी देखो क्या। सो मम्मा का ये आइडिया, मम्मा बोल रही पहले जैसे ही आएंगे तो नीचे बिठाएंगे और खाने के टाइम पे जो ना हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। तो मम्मा भी भाभी से बात करी, मिलवाता हूँ आप लोग को। तो अगर मैं सुबह से व्लॉग बनाता ना तो बहुत बड़ा हो जाना था व्लॉग, और वो फिर पता किसी काम का भी नहीं होता। वैसे भी मेरा होलिया इतना ख़राब हुआ था, कटिंग शेप पहले नहीं थी करवाई हुई, ऐसे घूम रहा था उसके साथ शॉपिंग पे रोज़ रोज़। तो मैं क्या करता यार, मेरे को टाइम नहीं मिलता अक्सर, फिर कभी इधर जाना कभी उधर जाना, और कल भी पता नहीं कुछ है। और हमारा होने वाला ही प्री शूट, और कैसा होगा और कब होगा ये हम बताएंगे आपको फिर कभी, अभी धनी फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्रिसमस आ रहा, कपड़े आएंगे नए नए, ईस्टर आ रहा, सॉरी भूल गई। चीज़ पता क्या हो गया, हमारे घर में गैस नहीं है, और जो कुछ चीज़ शुक्र है भाभी ने निहा रही थी जैसे, वो तो सुबह सुबह ही रख दी बना ली। और मम्मा भी यही मुझे बोल रही है कि मीठे के लिए कुछ बाहर से ले आना, सही है मम्मा, ले आऊँगा मैं। वो मिलती ना एडोन से वो वाली, क्या वो बोलते प्यालियाँ छोटी छोटी, वो वाली ले आऊँ, कप में होती है, ऐसे करते हैं। तो फाइनली बाजी लोग आ गए हैं और अभी वो लोग नीचे बैठे, मैं तो ऊपर ही बैठूँगा, मैं अभी नहीं बाद में जाऊँगा थोड़ी देर के बाद। तो मम्मा बोल रही है ये वाली शर्ट और वो वाली पैंट इस बार ही पूमी की फेवरेट है और ये पहनूँगा। इसने और क्या लिया है, इसने कुछ और भी लिया होगा यार, ये क्या करती है, ये क्या ले लिया इसने पता नहीं यार, ये मेरे पीछे से भी कुछ ना कुछ ले कर रही है। वो देखो बैट पड़ा हुआ मेरा, और आज हम खेलेंगे रात को मैच बिकॉज कल संडे है। हाँ से लेने आए हैं चिकन का सालन, तो मिल जाए जल्दी से निकलते हैं। हम लोग आए हैं सालन लेने के लिए बिकॉज घर पे गैस ही नहीं था आपको पता ही है, तो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जैसे कि निहारी बनी हुई है आई थिंक सो, और चावल बने हुए बकाया एक और सालन में, चलो ले लेते हैं। और मीठा भी बाहर से लेंगे, वो ऐसे ही चूल्हे के ऊपर बना हुआ खीर बनने के लिए, लेकिन बन नहीं रही क्योंकि गैस ही नहीं आ रहा। बाकी अभी देखते हैं और क्या करते हैं। हाँ से अभी खीर देखते हैं, अगर मिल जाए यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा। सो फाइनली शुक्र है खीर मिल गई है, और अभी बस चलते हैं जल्दी से घर की तरफ। हमारे भाई आ गए, थैंक यू सो मच, आपको इनवाइट किया और आप आए, क्योंकि आप तो हमेशा भूल जाते हो हमें। और मामी भी आइए, थैंक यू। क्यों भाई, क्यों भाई, मैं गाड़ी ली थी, मैंने बोला चलो वहाँ से ना एक मिकाला के लिए ली थी मेकअप की किट, और एक इसके लिए गनशन ले ली, मिकाला को मिल गया। भाभी भाभी मेरे मुंह से हमेशा भाभी निकलता है, भाजी को जो ना भाजी बोलना होता है हमेशा, हमेशा भाभी बोलते तो भाजी नहीं बोला, पता नहीं क्या वजह। तो क्या नासिर भाई भी आए थे, और अभी हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और ये देखते हैं गिफ्ट क्या लाए, क्या लाए खोलते हैं फिर देखते हैं। अच्छा खोले अभी की, अभी मैं खोलूं? अरे मेरी तरफ से अभी की अभी खोल लो, कोई मसला नहीं है। और भाई ये सच बताओ मिठाई ये पत्थर है भाई, इतनी इतना बोझनी है ये, कितने को ले आए हो? तो अभी ये कि हम लोग ऊपर चलते हैं और पहले तो खाना खिलाएंगे बाजी लोगों को, पैसे की रसम दे दे, मुझे आसानी हो जाएगी अपनी जेब से, मैं पर्स ही रख ले तो कोई मसला थोड़ी है। बाजी का ये हमारी बाजी हमारी बहुत बड़े दिल की, हम ले लेते कोई मसला नहीं है। बाजी रख लो, चलाओ भाई बहुत मस्ती है करते नाजिर भाई ने, और कुछ भी ले लो भाई, एक ही चीज में लगे हुए, कुछ और भी ले लो यार, ऐसे कुछ दूसरी एक प्लेट स्वाद रखो उसको भी चम्मच, नहीं नहीं इसके अंदर, इसके अंदर ही ये है ना, इसके अंदर शुरू हो जाओ। उसको देखो आज तो बड़ा खुश खुश लग रहा है, आज तो बोल भी रहा है, क्या बात है। वो लोग तो खाना खाएंगे, मैं सोच रहा हूँ मैं जब तक इनकी गिफ्ट ओपनिंग कर लूँ क्या क्या बड़ा हुआ अंदर, आओ जरा पहले हम ओपनिंग करते क्या है। और ये तो आई थिंक सो कि आप सबने देखा भी होगा, लेकिन ये हमने लिया था इस बार ही चिकन का सूट, वो इतना बड़ा ओ तेरी खैर ऐसा लगेगा मेरे पे, वैसे बताना सलवार कमीज मेरे पे अच्छी लग रही है, ऐसे पहनूंगा। और ये सलवार है, पर हमने क्या लिया था मैं भूल गया हूँ,
पैंट शर्ट क्या ली थी हमने, और आपको एक सीन बता दूँ क्या हुआ था। यार इसको जल्दी से ओपनिंग करते हो। ये शर्ट जो है ना पोमी की फेवरेट है, तो उसको बहुत पसंद आई थी ये। बैग भी यही प्रिंट है। इस बार ही पहनेंगे, देखते कैसी होती है। अलग ही ड्रेसिंग हुई है इस बार मेरी भी, अलग से मुराद बहुत अलग हुई है। भी तो मैं अक्सर जो ना डिसेंट कपड़े पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा डिसेंट कपड़े। और इस बार ही देखो थोड़ी फंकी फंकी सी है। ये देखो सिक्स पॉकेट है, ये देखो इमोजी। और उसमें तो इसमें इसने ना कुछ नई चीज़ें ली है इसमें ना, तो देखते क्या लिया नया कुछ इसमें। क्या नया है, क्या नया है, क्या नया है। आज मैं भी लोग बना ही नहीं पाया यार, क्या करता, बस कभी कभी हो जाता है। और ये शूज़ जो है ना, ये वाले शूज़ ये मैं लिए थे क्रिसमस पे, मैं और ये साथ में थे। लेकिन मुझे आना था जो क्रिसमस, अभी आया ईस्टर आया, मुझे अभी आया पूरे 4 मंथ बाद। और ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, खैर इसको भी हम पहनेंगे। जल्दी से ओपनिंग करते हैं, भूख लगी है, खाना तो ये सैंडविच और कुछ प्राइवेट चीज़ भी ये नहीं दिखाएंगे हम। और ये मेरा सनब्लॉक जो उस दिन लिया था मैंने, 50+ SPF, हाँ यही है। ये क्या लिया इसने, ये समझ नहीं आ रही, ये क्या है। अरे ये तो मेरा फेवरेट बेल्ट है, मेरे पास पहले भी 2 ऐसे बेल्ट थे और अभी गोल्डन में आया। ये मेरा फेवरेट बेल्ट है और ये हमेशा मैं पहनता हूँ जब डिसेंट ड्रेसिंग करता हूँ ना, बिल्कुल पैंट शर्ट इन करता हूँ, शर्ट इन करके फिर ये पहनता हूँ। वो भी किसी दिन आपको ड्रेसिंग करके बताऊंगा कैसे। मैं पहले ऐसे ही रहता होता था, अभी आगे मैंने छोड़ दिया वो चीज़ें। तो खैर अभी इसको जल्दी से पैक करते, उसके बाद मिलते हैं। बाकी ये कि अभी सब जो ना बिजी हैं, ऊपर खाना वाना खा रहे हैं और मम्मा लोग उनसे बातें कर रहे हैं, भाजी लोग भी सब के सब। मैं कैसे बनाता तो मैंने बोला थोड़ा सा शेम फील होता है, थोड़ा बहुत तो इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो भी मैं चाह रहा था कि मैं अकेला नीचे आ जाऊँ तो आराम से व्लॉग एंड करूँ, बिकॉज अभी बहुत लंबा हो जाएगा अगर बनाया। और टाइम भी आपको पता है 11 बज चुके हैं और पता नहीं कब तक आएगा व्लॉग, मुझे कुछ नहीं पता। लाइट चले गई थी सबसे पहले तो, और शुक्र है लाइट ने मेरी इज्जत रख ली। उनको पता था हाँ इनके ससुराल वाले आ रहे हैं आज लाइट को। मैंने बोला भाई मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, थोड़ा सा याद कर लेना, जल्दी आ जाना। और 10 मिनट बाद आ गई शुक्र है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पोमी का, और इंशाल्लाह ये तो चलो ठीक है, थैंक यू की बात तो ठीक है। ये इस बार तो मुझे ईस्टर आया ना, और अगली बार ये मेरे साथ होगी क्रिसमस में, देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली बार ये मेरे साथ ही होगी क्रिसमस, हम दोनों एक साथ करेंगे, बिकॉज हमारी शादी हो जाएगी। और आप सब ने दुआओं में याद रखना है, और बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है। बाकी ये कि आज का व्लॉग हमारा यहीं तक के, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना, और सब्सक्राइब किए बना मत जाना, बेल आइकन कौन कर दें, और लाइक सबसे पहले करें। तब तक के लिए बाय।